As I talk here about the positive impact of the pipeline on consumer price, I am happy to share with you that Nepal Oil Corporation has already reduced both diesel and petrol prices by 2. Nepal के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं. ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलेटरल रिलेशंस का आधार है. दर्शकवृन्द नमस्कार. स्वर्णिम नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँ तमाम श्रोतालाई हार्दिक स्वागत छ. नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन आज उद्घाटन भएको छ. यसैसँग सन्दर्भित एउटा एक्सक्लुसिभ रिपोर्टको साथ हामी हाजिर भएका छौँ. लागौँ विषयवस्तुतर्फ. विभिन्न चुनौती पन्छाएर पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम सकिएकोमा भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपालको प्रशंसा गरेको छ. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विच थिचेर पाइपलाइनको उद्घाटन गरेपछि अमलेखगंजमा भएको विशेष कार्यक्रममा आइओसीका पदाधिकारीले नेपालको प्रशंसा गरेका हुन्. आज मध्याह सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रूममा मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बाक्लो छलफल थियो. दक्षिण एसियामै कहीँ नभएको क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन पहिलोचोटि सिंहदरबार र दिल्लीबाट एकसाथ थियो. यता सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उता नयाँ दिल्लीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विच अन गरेर दक्षिण एसियाको पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएकोले मन्त्री र कर्मचारीहरूमा उत्साह पनि देखिन्थ्यो. नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पाइपलाइनबाट खसेको तेल बोतलमा थाप्न सोमबारे अमलेखगंज पुगिसकेका थिए. भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगंजसम्म 69 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन हो. यो पाइपलाइनको क्षमता 20 लाख टन प्रति वर्ष तेल आयात गर्न सक्ने रहेको छ. मंगलबार आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दिल्लीबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विच थिचेर पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नु भएको हो. प्रधानमन्त्री द्वयले स्विच थिचेपछि अमलेखगंजमा रहेका आयल निगमका अधिकारीहरूले बोतलमा तेल थापेर आदान प्रदान गरेका थिए. पाइपलाइनको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो मन्तव्य व्यक्त गर्दै भारतीय सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको हो. भारतले गोर्खा र नुवाकोटबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रशंसा गर्नुभयो. मोदीजी, अनरेबल मिनिस्टर्स, एक्सलेन्सी एम्बेसडर्स, फ्रेन्ड्स फ्रम मिडिया, डिस्टिङ्विश्ड गेस्ट, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नमस्कार. I have great pleasure to speak on this occasion of the inauguration of the flagship project of Motihari Omlekganj Petroleum Products Pipeline, completed under Nepal-India cooperation. I remember, it was just last year in April, during my visit to India, that Prime Minister Modiji and I attended the groundbreaking ceremony and formally launched this project. It is heartening to note that the project has been completed so early, within half of its scheduled time frame, enabling both of us to inaugurate for its operationalization today. This pipeline project is the first of its kind between Nepal and India and in South Asia. I believe it will not only save time, reduce cost, lessen road traffic, and reduce air pollution in transporting petroleum products from India to Nepal, but also open avenues in Nepal for expanding similar pipelines across the country. As I talk here about the positive impact of the pipeline on consumer price, I am happy to share with you that Nepal Oil Corporation has already reduced both diesel and petrol prices by 2 rupees per litre effective from today. Moreover, this project will, without any doubt, enhance interconnectedness and interdependence between our two countries.
it is one of the best examples of connectivity in terms of trade and transit infrastructure of Nepal and India. I would like to express my sincere thanks to Prime Minister Modi ji and the Government of India for the support and cooperation to bring into operation such an important project. Excellency Prime Minister Modi ji, distinguished audience, Nepal-India cooperation is not limited to a few projects alone. Many more bilateral projects covering various areas of cooperation, such as railways, inland waterways, roads, hydropower generation, integrated checkpost, bridges, agriculture, tourism, etc., are in the pipeline. Early completion of them with similar pace and efforts, I believe, will enormously benefit both of our countries and peoples. And I am happy to note that implementation of various India-aided projects has gathered momentum in recent years following the understanding reaching between Modi ji and myself in our previous meetings. At this moment, I would also like to appreciate the work relating to the post-earthquake reconstruction of about 50,000 houses in Gorkha and Nuwakot districts of Nepal under India's financial assistance. These houses stand as a symbol of India's support and friendly gesture to the people of Nepal. Such development works, many of which directly benefit the people, contribute to make our relationship stronger and fruitful. Nepal attaches great importance to its relations with India. The relationship between our two countries is so deep and dense that no area of cooperation is left untouched. There is always a scope of expanding it further. We are now at an important juncture of history. Today, both Nepal and India are in a better situation of political stability with strong majority governments, rising economic growth rates, availability of dynamic and capable human resources, and rich natural resources, endowments offer promising environment for development and prosperity. This has also created an enabling environment for further strengthening partnership and cooperation between our two countries for mutual benefit. Besides, we have similar vision of development, prosperity and happiness of our people, backed up by solid political commitment and a strong determination to realize them. Modi ji's Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas and my vision for prosperous Nepal, happy Nepali capture the essence of our commitment, determination and efforts to transform the development landscape of our respective countries. In this context, what I believe is that we need to inject new vigor, dynamism and direction to Nepal-India relationship so that it could continue taking new heights in the days ahead. I am ready to work hand in hand with Prime Minister Modi ji towards attaining this objective. While recalling the exchange of successful visits in the past, I take this opportunity to extend a cordial invitation to you, Prime Minister Modi ji, to pay a visit to Nepal at your earliest convenience.
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास अभियन्तामा भारतसँग साथसाथै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्तव्यपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोल नेपाल आयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्नुभयो, उहाँको स्वास्थ्य र सक्रियताको प्रशंसा गर्नुभयो अनि मित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न इच्छुक रहेको बताउँदै चाँडै भेट्न आउने वचन समेत दिनुभयो। नेपालमा जारी द्विपक्षीय परियोजनाहरू राम्रोसँग अगाडि बढेको भन्दै मोदीले सन्तोष समेत व्यक्त गर्नुभयो। मोदीले पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारत र नेपाल बीच उच्च राजनीतिक तहमा निकटता बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गर्नु भएको थियो। बहुत खुशी हो रही है, मई 2019 में भारत की आपकी यात्रा के दौरान हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे। मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। एक्सलेंसीज, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलेटरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत हुई है। विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है। हमारे संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य है कि हमारे लोगों को लाभ मिले, उनका विकास हो और इसलिए परियोजनाओं का समय से पूरा होना हमारी दोनों सरकारों की प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और कई अन्य इनिशिएटिव्स के परिणाम जल्दी प्राप्त किए हैं। पिछले साल हमने संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज का उद्घाटन किया था। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पिछले साल हुई थी। यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में ये बनकर तैयार हुई है। इसका श्रेय आपके नेतृत्व को, नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को जाता है। इस पाइपलाइन से हर साल 2 मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एफोर्डेबल रेट्स पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे और मेरे लिए खुशी है कि आज आपने इस पाइपलाइन के उद्घाटन के साथ ही उससे जो आर्थिक रूप से बचत होने वाली है वो आपने नेपाल के नागरिकों की तरफ उसको समर्पित कर दिया और वहां दाम बढ़ा कम करने की योजना भी घोषित कर दी। यानी एक प्रकार से ये काम नेपाल के सामान्य नागरिक की भलाई के लिए हुआ है, ये संदेश आज आपने बड़ी सरलता से दे दिया। नेपाल के लोगों की भलाई के इस काम में हमें भी साक्षी बनने का मौका मिला, भागीदार बनने का मौका मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष होता है। एक्सलेंसी, 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद जब नेपाल के पुनर्निर्माण का बेड़ा उठाया तो भारत ने पड़ोसी और निकट मित्र के नाते अपना हाथ
सहयोग के लिए आगे बढ़ाया। मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल के गोरखा और नोवाकोट जिलों में हमारी आपसी सहयोग से फिर से घर बसे हैं, और जैसे आपने इस बात का बहुत ही गर्व के साथ उल्लेख किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके कारण आम लोगों के सिर पर फिर से छत आई है। आशा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट का आपके साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी बहुत ही जल्द मुझे मिलेगा। एक्सलेंसी, हमने अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए एक एम्बिशियस एजेंडा निर्धारित किया है। मुझे खुशी है कि हम अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रियों ने काठमांडू में अपनी मुलाकात में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति का जायजा अभी हाल ही में लिया था। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक्सलेंसी, नेपाल की प्रायोरिटीज के अनुसार उसके विकास में सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए और वीडियो लिंक के जरिए मुझसे जुड़ने के लिए समय निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, अभूतपूर्व सक्रियता और भारत नेपाल के संबंधों को जोड़ने के लिए हर प्रकार से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आपने मुझे फिर एक बार वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है, मैं बिल्कुल इस बात को बहुत महत्व मानता हूं, और मेरी भी बड़ी इच्छा रहती है आपके बीच आना, आपके पास आना, उस प्रकृति की गोद में आना। मैं बहुत ही जल्द आपके पास आने का प्रयास करूंगा। आपका गहरे गहरे धन्यवाद। जे होस्, यो एकदमै राम्रो काम भएको छ। आगामी दिनमा यस बारेमा थप फलोअप हामी गर्दै जानेछौँ। हामीलाई हेरिदिनुभयो, कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।